जैन साथियों आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जाम विजेता में बहुत बहुत स्वागत है साथियों तो जिन साथियों का डी है उन साथियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है क्योंकि साथी जिस प्रकार वहाँ डी में वो लोग चेक करेंगे उसी प्रकार हम भी घर में अपना जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है खुद कर सकते हैं कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ तो साथी आपके पास सबसे पहले होना चाहिए आपका अप्लीकेशन फॉर्म इस तरह का होगा अप्लीकेशन फॉर्म जब ये वैकेंसी आई थी तब हमने जो भरा था उसी समय अप्लीकेशन फॉर्म मिला होगा तो इसको ले लेना है और इसमें सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे फुल नेम ऑफ द अप्लीकेट यानी जिसने अप्लीकेशन भरा है उसका पूरा नाम अब ये कहाँ से आप मैच करेंगे तो आपका ये टेंथ बेस आपकी क्या है जॉब है तो आपका हाई स्कूल का जो सर्टिफिकेट है उसको एक हाथ में ले लेना है और इधर आपका फॉर्म हो जाएगा तो यहाँ पर अप्लीकेंट का नाम तो यहाँ पर मेरा नाम अजय कुमार है और इधर मैं अपना सर्टिफिकेट रख लूँगा और दोनों की स्पेलिंग मैच करना है ये नहीं कि यहाँ पर अजय कुमार अब यहाँ पर अजय कुमार और कुमार में कुछ स्पेलिंग इसमें दूसरी है इसमें दूसरी है तो ऐसा नहीं दोनों में सेम स्पेलिंग होनी चाहिए तो जैसे कि यहाँ पर फिर आप उसको मैच कर लेंगे फिर यहाँ पर फादर्स नेम यानी पिताजी का नाम अब इसमें देखिए कहाँ फादर्स नेम है तो प्रेमचंद प्रेमचंद इस तरह आप मैच करते जाएंगे फिर मद मम्मी का नाम अपना मैच करना है और इस्पेलिंग सबसे इंपॉर्टेंट स्पेलिंग अगर यहाँ पर स्पेलिंग दूसरी होगी वहाँ पर स्पेलिंग दूसरी होगी तो वहाँ से फिर आपको डीवी के लिए वापस कर देंगे फिर आपको परेशानी हो जाएगी अगर आपका गड़बड़ है तो फिर मैं बताऊंगा क्या करवा कर जाने पर आपको वहां से वापस नहीं करेंगे वो लोग मान लेंगे आपका डी ओ की बात करेंगे तो आपका यही टेंथ बेस जो है अपना क्योंकि हमारे पास तो जन्म प्रमाण पत्र है नहीं तो अपना जो डी चेक होगा इसी हाई स्कूल सर्टिफिकेट से डी चेक होगा और इसके अलावा जो आपका आधार कार्ड है आधार कार्ड में भी आपका डी सेम होना चाहिए फिर इसके बाद आप जेंडर देख लेंगे आप मेल हैं कि फ़ीमेल कहीं गलती से उसने फीमेल भर दिया हो और आप मेल हैं या मेल हैं फीमेल भर दिया ऐसा गलत कर दिया हो इसके अलावा यहाँ पर फिर आगे देखेंगे आधार नंबर तो आपको क्या करना है अपना आधार कार्ड उठाना है दोनों से आधार कार्ड नंबर मैच कर लेना है फिर आपका मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन टेंथ ये चेक कर लेना है आपका बोर्ड कौन सा है स्टेट बोर्ड फिर आपका हाई स्कूल का रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर पड़ा है तो रोल नंबर मैच कर लेना है दोनों का सेम है हाँ भाई इधर भी सेम है फिर इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग टेंथ अब यहाँ पर मेरा 2015 में पास हुआ था अब गलती से उसने 2016 भर दिया होता तो फिर प्रॉब्लम आ जाती ना तो दोनों को देख लेना हाँ भाई यहाँ पर भी 2015 है यहाँ पर भी 2015 है नेशनैलिटी सिटीजन ऑफ इंडिया रिलीजन हिंदू फिर यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर से कोई इशू नहीं है क्योंकि मोबाइल नंबर तो बदलता रहता है फिर फुल एड्रेस यहाँ पर अपने गांव का नाम है स्टेट नेम उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट नेम यहाँ पर फिर आप पिन कोड चेक कर लेना जैसे हमारे यहाँ का इक्कीस छब्बीस चौंसठ है तो पिन कोड चेक कर लेंगे हाँ भाई सही भरा है इसके अलावा डू यू बिलोंग टू सिटी टाउन विलेज भाई हम गाँव वाले हैं गाँव से तो विलेज भरा हुआ है फिर यहाँ पर यह पेमेंट पेमेंट डिटेल का कोई इशू नहीं है यहाँ पर रखा हुआ है अमाउंट कितना आपने पे किया था ये सब फिर इसके बाद और नीचे आ जाएंगे टेंथ क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर है तो आपका देखिए क्वालिफिकेशन लिखा है टेंथ अब बोर्ड की बात करें तो स्टेट बोर्ड आ जाता है आपका स्टेट इन विच स्टडीज़ मतलब जिस प्रदेश में आपने पढ़ा है पढ़ा है उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट फ़तेहपुर फिर यहाँ पर आपका देखेंगे परसेंटेज आपको चेक कर लेना है आपका टेंथ में परसेंटेज कितना था तो मेरा बयासी दशमलव छः था तो यहाँ पर भी और एक बार क्या करना है आपका हाई स्कूल के पूरे नंबर उसका परसेंटेज निकाल लेना है इसके बाद फिर ये हायर क्वालिफिकेशन उस समय ट्वेल्थ था और तो इसमें शो नहीं करेगा ये टेंथ बेस जॉब है तो इसलिए टेंथ वाला बस शो किया इन लोगों ने फिर इसके बाद ये पोस्ट डिटेल वाला है फिर ये तीसरा वाला उठा लेना है अब इसमें देखना है क्या है तो यहाँ पर ट्रेवल पास के लिए मांगा था तो सर्टिफिकेट तो भाई अपना कास्ट सर्टिफिकेट ये हैं तीन है अपने पास एक ये जो लेटेस्ट रेलवे फॉर्मेट का है जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अलावा ये जो आ, मैंने बनवाया था उत्तर प्रदेश सरकार का और ये जब फॉर्म भरा था उस समय का तो अपने कास्ट सर्टिफिकेट का इशू ही खत्म इसके बाद यहाँ पर देखना है आपको एक्स सर्विस मैन पी नहीं भाई नहीं है नो नो भरा है फिर आपने अप्रेंटिस किया है नो अगर आपने अप्रेंटिस यस कर दिया है और वहाँ पर आ, मतलब आपने यस भरा है और अगर आपने नहीं किया तो फिर वहाँ से डी में वापस कर देंगे कहेंगे आपने ये क्या कर दिया ना तो ये गलत हो जाएगा फिर डू यू बिलोंग टू एनी ऑफ द फॉलोइंग एज रिले कैटेगरी तो यहाँ पर देखिए डोमिसाइल इन जम्मू कश्मीर ये सब जम्मू कश्मीर के तो नहीं ना भाई उत्तर प्रदेश के हैं मदर टंग अपनी हिंदी भरी हुई है पता चला किसी में तमिल भर दिया है ना तो गलत हो जाएगा फिर यहाँ पर डिटेल ऑफ विजल आइडेंटिफिकेशन मार्क वो जो आइडेंटिफिकेशन मार्क वाला होता है अमूल ऑन लेफ्ट ऐसा ये सब चेक कर लेना है आपको भी चेक कर ले ऐसे ही चेक करेंगे वहाँ पर कुछ दूसरा नहीं होने वाला है फिर यहाँ पर आधार कार्ड आधार कार्ड का नंबर तो एक बार आधार कार्ड नंबर चेक कर लेना है बढ़िया अपना अच्छे से एक एक करके इसके बाद आपका ये सिग्नेचर है बस हो गया आपका डी आपने स्वयं डी कर लिया तो इसी प्रकार साथ ही क्या करना है आपको चेक कर लेना है कि डी में आपको प्रॉब्लम ना हो अगर अगर आपका कोई गड़बड़ है जैसे कि आपके पापा का नाम आपके स्कूल सर्टिफिकेट में दूसरा है और फॉर्म में दूसरा है तो फिर आपको क्या कराना पड़ेगा एफिडेविट बनवाना पड़ेगा यानी हलफनामा जिसे बोलते हैं कोर्ट जाना है या तहसील जो होती है वहां पर जाएंगे वकील से बताएंगे कि भैया ये ये प्रॉब्लम है एफिडेविट बना दीजिए या हलफनामा बना दीजिए सौ डेढ़ सौ रुपये में बना देंगे आराम से उसको लेकर जाना तो वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी तो साथ ही इसी प्रकार आप भी चेक कर लीजिए नहीं तो आपको पता चला पाँच छः सौ किलोमीटर दूर गए फिर डीवी से वापस आ गए तो क्या मतलब मिलेगा तो आशा करता हूँ साथ ही वीडियो बड़ा हेल्पफुल लगा होगा तो अपने परिवार एग्जाम विजेता को लाइक करें शेयर करें और मेरा जैसे ही मेडिकल हो जाएगा डीवी हो जाएगा फिर मैं आपको वीडियो बताऊँ बनाकर बताऊंगा कि क्या क्या हुआ है तो उसके लिए अपने परिवार एग्जाम विजेता को सब्सक्राइब जरूर करें अपना और अपनों का ख्याल रखें हंसते रहे मुस्कुराते रहे जय भारत थैंक्स फॉर वॉचिंग